हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको किस प्रकार आधार कार्ड पेटीएम बैंक से लिंक करना है ताकि सब्सिडी आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाए। तो पहले आपको अपना पेटीएम अकाउंट लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद नीचे बैंक का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद 4 अंकों का पासकोड एंटर करना है। पासकोड एंटर करने के बाद उसमें आपको आपका बैंक खाता ओपन हो जाएगा। बैंक खाता ओपन होने के बाद आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पे जाना है, जो एरो लगा के समझाया गया है उस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद आपको यस और नो का ऑप्शन आएगा। अगर आपका किसी भी बैंक में आधार कार्ड लिंक नहीं है सब्सिडी के लिए, तब आपको नो करना है और सबमिट कर देना है, तो आपका आधार कार्ड पेटीएम बैंक से लिंक हो जाएगा। और अगर आपका किसी और बैंक में आधार कार्ड लिंक है और आप पेटीएम में सब्सिडी चाहते हैं, तो आपको यस करना है और बैंक सेलेक्ट करना है जिस भी बैंक में लिंक है और जिस बैंक में सब्सिडी आ रही है। तो उससे क्या होगा कि आपका वहाँ से डी लिंक हो जाएगा और सब्सिडी आपके पेटीएम बैंक में आने लगेगी, सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार आपको आपकी जो सब्सिडी है वो आपके पेटीएम बैंक में आने लगेगी। धन्यवाद।